हे गाइस, मैं ले में हूँ और आज अप्रैल 18 है। तो एक्चुअली कल ही पहुँचा था मैंने यहाँ पे। आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो अप्रैल महीने में भी स्नोफॉल हो रहा है। तो ये देखिए, मेरे चारों तरफ स्नो और स्नो है। ये ड्राई स्नो है, ये ड्राई है, देखिए रूम के बाहर है। अभी सुबह के 7 बजने 7 नहीं 6:30 हो रहा है। रात भर नहीं, अभी सुबह से स्टार्ट हुआ है ये स्नोफॉल। और देखिए इधर पूरा ऐसे ऐसे ही। ये देखिए गाड़ी में ऊपर ऐसे कितना सारा आइस। मेरा हाथ बहुत ठंडा हो रहा है, सुनने हो रहा है ठंड। हाथ बहुत ठंडा है। मैं आपको आगे का व्यू दिखा रहा हूँ। मिट्टी का रूम है, इसके अंदर इतना गर्म ठंडे नहीं होता है। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ स्नो ही दिख रहा है। मैं रूम को ऊपर जा रहा हूँ जाने के लिए। मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए रूम के ऊपर चारों तरफ आइस और आइस। ये देखे माउंटेन व्यू, सामने टावर है, सबके छत के ऊपर स्नो स्नो है। ये देखिए वाह, वाइट दिख रहा है सब चारों तरफ। दूर पार है, ये देखिए यहाँ का ट्री। ये देखिए माउंटेन। हे गाइस, मैं अभी ले में हूँ और यहाँ पे -डिग्री पे चला गया है। सबके छत के ऊपर है स्नो और स्नो ही स्नो दिख रहा है। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री है और फर्स्ट एक्सपीरियंस है आइस के साथ। इससे पहले मैंने कभी स्नो फॉल महसूस नहीं किया था। हाँ, इससे पहले मैं शिमला में आया था लेकिन एक्सपीरियंस कर नहीं पाया, उस टाइम पे सीज़न नहीं था। लेकिन ले में मैंने नहीं सोचा था कि अभी इस टाइम पे मैं इस सीज़न पे एक्चुअली वो स्नोफॉल इंजॉय कर पाऊँगा। लेकिन ये फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया ये सिर्फ। चलो, चारों तरफ सिर्फ स्नो दिख रहा है, बहुत ठंडा है बाहर। वाह, मैं एक्चुअली मास्क नहीं लगा, तो मास्क पहन लेता हूँ, मोटे बहुत सर्दी हो जाएगी नहीं तो। मैं छत के ऊपर हूँ, देखिए मैंने इतना ठंडा तो नहीं लग रहा है अंदर, लेकिन हाथ बहुत ठंडा हो गया, सुन्न हो गया हाथ। बस हाथ में बहुत ठंडा लग रहा है, मैं पकड़ ही नहीं रह पाऊँ। मेरे पास हाथ का पंजा भी नहीं, ग्लव्स भी नहीं लाया घर से आने के टाइम। देखिए खाली हाथ है, खाली हाथ से मैं पकड़ रहा हूँ। ये देखिए आइस, खुशी हो रहा है मुझे, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सामने माउंटेन है, ये देखिए मैं इसके नीचे कर रहा हूँ। जो मुझे आपको दिखाया था मैं, वो मेरे पीछे
हाँ गाइस, यहाँ के लिए टूरिज्म जो एक्चुअली टूर एंड टूर है वो ये स्टार्ट हुआ है। अब बाइकिंग कर सकते हैं यहाँ पे आके, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा जो फ्रेंड है वो हम दोनों मिलके यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर्स वगैरह सब दे दूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो यहाँ का मेरा एक फ्रेंड है, लोकल है वो, तो कम पैसों में आप यहाँ का टूर कर सकते हैं। तो दोनों मिलके यहाँ पे चलाने वाले हैं अभी। बस सबके छत के ऊपर राइस है। चलो कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूँ मैं, चलो।